नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव हूँ। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 नोएडा। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। इस दिन हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें बोन्स में मिनरल्स कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं तथा ईजिली ब्रेकेबल हो जाती हैं। यह कंडीशन जनरली प्री मीनोपॉजल एंड पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में कॉमनली देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ओल्ड एज के मेल पेशेंट्स हैं उनमें भी ये कॉमनली देखा जाता है, या फिर वो पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म तक बेड रिडन रहते हैं उनमें भी बोन्स वीक हो जाती हैं तथा ऑस्टियोपोरोसिस उनमें देखा जाता है। इसको पता करने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को अगर हमें लगता है ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो चेक कराया जाता है। इसके अलावा समय समय पर मरीज को अपनी कैल्शियम, विटामिन डी तथा रेगुलर चेकअप, ब्लड टेस्ट कराते रहने चाहिए। इसके सिम्टम्स में पेशेंट जनरली प्रेजेंट करता है फ्रैक्चर्स के साथ ही, कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं जिससे पता लग सके। हाँ, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्रोनिक बैक पेन रहने लगता है या बोन्स में पेन होने लगते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स तभी प्रेजेंट करते हैं जब उन्हें बहुत हल्की सी चोट लगने पे फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए रेगुलर चेकअप करवाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें इसके बारे में पता लग सके और हम टाइमली इसके ऊपर एक्शन ले सकें। डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए इसमें, पर्टिकुलरली वो डाइट प्रोडक्ट्स जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है तथा विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स जैसे हुए, इनका कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा इस को अवॉइड करने के लिए हमें अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए तथा सोडा कंजम्पशन भी कम करना चाहिए तथा रेड मीट को भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाती हैं। क्रोनिक बैक पेन रहने पे या बोन पेन्स होने पे, या अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि आपकी हाइट धीरे धीरे घट रही है, ऐसा हो सकता है अगर हमारी वर्टिब्रा जो स्पाइन की बोन्स हैं वो कोलैप्स होने लगती हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हाइट कम लगने लगती है या आपके मुंह में जो गम्स हैं वो रिसीड करने लगते हैं, दांत बड़े लगने लगते हैं और गम्स धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं, ये सारी सिम्टम्स होते हैं जो एडवांस ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ भी पता लगने पे फौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए तथा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहें, सेहत का ध्यान रखें तथा ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल आके अपनी प्रॉपर जाँच कराएँ। नमस्कार।